फ्री फायर इंडिया आने से हमारी मेन आईडी का क्या होगा। जब से फ्री फायर इंडिया की ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है गरीना फ्री फायर की तरफ से, तब से हमारी फ्री फायर ऑडियंस के दिमाग में बस यही क्वेश्चन आ रहा है कि फ्री फायर इंडिया आने से हमारी मेन आईडी का क्या होने वाला है। क्या हमें मेन आईडी को ट्रांसफर करने के लिए कोई फॉर्म भरना पड़ेगा या फिर कोई और ऐसा प्रोसेस करना पड़ेगा जिससे हमारी फ्री फायर मैक्स की आईडी फ्री फायर इंडिया के अंदर शिफ्ट हो जाए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो पे आज आप लोगों को मिलने वाले। तो यार वीडियो को लास्ट तक देखे और वीडियो पसंद आए ना तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ना ऑल पे सेट कर देना, ठीक है। और दोस्तों आज जो वीडियो का लाइक है वो ओनली 500 लाइक्स का है। अगर आप लोग 500 लाइक्स कंप्लीट करवा देते हैं ना तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एमएस धोनी के फुल आइटम्स का रिव्यू देने वाला हूं। न्यू कैरेक्टर, न्यू इमोट एमएस धोनी का और भी बहुत सारे कोलैबोरेशन से रिलेटेड आइटम्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि फ्री फायर इंडिया आने से क्या हमारी मेन आईडी बंद हो जाएगी या फिर हमें फ्री फायर इंडिया के अंदर उस आईडी को ट्रांसफर करने के लिए कोई अलग से प्रोसेस करना पड़ेगा। तो भाई देखो मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, गरीना फ्री फायर जो है ना सिर्फ अपना ईपीके का नेम चेंज कर रहा है, सर्वर चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। इंडिया के अंदर जो है वो आप लोगों को सिर्फ ओनली फ्री फायर इंडिया रन करता हुआ नजर आने वाला है 5 सितंबर के बाद से। उसके बाद से आपको फ्री फायर मैक्स भी देखने को नहीं मिलेगा प्ले स्टोर के ऊपर या फिर OB42 अपडेट के बाद से, ठीक है। सर्वर सेम रहने वाला है और बाकी कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं होने वाला है जिससे आप लोग यहाँ पर अपनी मेन आईडी को ट्रांसफर करेंगे या फिर ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें गरीना फ्री फायर ऑटोमेटिक ही आप लोगों के साथ में कर देगा, तो आप लोगों को ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपका जो अकाउंट है वो बिल्कुल सेफ हाथों में है यार। और इस टाइम गरीना फ्री फायर जो है ना डाटा सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा सिक्योर है और बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो आप लोग उस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि आपकी मेन आईडी के साथ में क्या होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। 5 सितंबर के दिन जब गरीना फ्री फायर इंडिया लॉन्च होगा उस दिन बस दोस्तों आपको प्ले स्टोर से जाके गेम को डाउनलोड करना है, चाहे वो एप्पल आई स्टोर हो या फिर हो एंड्रॉयड का हमारा प्ले स्टोर, दोनों ही स्टोर्स के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और प्री रजिस्ट्रेशन ओनली यहाँ पर एंड्रॉयड के लिए वैलिड होता है, iOS स्टोर के लिए नहीं होता, तो इसलिए iOS वाले यहाँ पर टेंशन मत लो। आप लोगों को 5 सितंबर के दिन iOS के ऊपर देखने को मिल जाएगा डाउनलोड वाला सेक्शन, ठीक है। तो आपको सिर्फ डाउनलोड करना है और आपकी जो आईडी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएगी और वो आपकी मेन आईडी के साथ में लॉगिन हो जाएगी, चाहे वो गूगल से बाइंड हो या फिर वो फेसबुक से बाइंड हो। आपको बस यहाँ पर डालना है आपका जो भी पासवर्ड वगैरह है तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। और दोस्तों इस बार जब फ्री फायर इंडिया आएगा तो इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेंगे जो शायद आप लोगों को ना ही फ्री फायर मैक्स के अंदर देखने को मिले और ना ही फ्री फायर नॉर्मल एपीके के अंदर देखने को मिले, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर आप लोगों को 18+ एज वेरिफिकेशन का रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। अगर आपकी एज यहाँ पर 18+ है तो आप लोग यहाँ पर गेम को डायरेक्ट लॉगिन कर पाएंगे। अगर आपकी एज यहाँ पर 18+ कम है तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर एक नंबर देना पड़ेगा और उस नंबर की मदौलत ही आप लोगों को इन फ्यूचर गरीना फ्री फायर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए चेक करता भी रहेगा कि आपकी एज रियल में 18+ है या फिर आपकी एज 18+ कम है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा टाइम लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन, जो कि दोस्तों मुझे लगता है कि गरीना फ्री फायर को आज से करीबन 2 साल पहले कर देना चाहिए था। और फ्री फायर के बैन होने का सबसे बड़ा रीजन यही था टाइम लिमिट का, क्योंकि दोस्तों छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो इस गेम को एकदम अंधा खेलते हैं, उन लोगों को ना ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान होता है और ना ही किसी और चीज पे। तो यार गरीना फ्री फायर ने ये चीज काफी बेस्ट करी है। और दोस्तों सबसे बेस्ट चीज ये है कि दोस्तों ये जो टाइम लिमिट वाला सीन है ये सभी प्लेयर्स के लिए वैलिड है, चाहे वो 18+ हो या फिर वो 18+ कम हो, सबके लिए ये टाइम लिमिट वाला सीन है और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगा। उसके बाद दोस्तों आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा टॉक्सिविटी, मतलब दोस्तों अगर कोई बंदा आपको यहाँ पे गाली वगैरह देता है तो आप लोग उसके खिलाफ रिपोर्ट भी कर सकते हैं। और ये चीज़ भी गरीना फ्री फायर ने बहुत ज़्यादा बेस्ट किया। और भी काफ़ी सारे आपको ऐसे रिस्ट्रिक्शन देखने को मिल जाएंगे जो कि आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे फ्री फायर इंडिया के अंदर। और दोस्तों बाकी की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को फ्री फायर इंडिया आने के बाद ही मिल जाएगी, जब दोस्तों ये एपीके प्ले स्टोर के अंदर ऑफिशियली तरीके से आ जाएगा डाउनलोड करने के लिए। उसके बाद इसके अंदर आप लोगों को जो भी रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेंगे वो आप लोग वहाँ पर पढ़ सकते हैं। और बहुत बढ़िया चीज़ है यार, मतलब गरीना फ्री फायर लेट आया बेशक, पर इन लोगों ने जो धमाकेदार एंट्री करी है ना यार, वो आई थिंक कोई और कंपनी नहीं कर पाएगी मेरे हिसाब से। और दोस्तों आते ही 2 बड़े टूर्नामेंट भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है आप लोगों के लिए फ्री फायर
इंडिया के नाम से, जिसके अंदर दोस्तों दो टीमें जो सिलेक्ट होंगी वो जाएंगी सीधा फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज के लिए 2023 में, और जो वहाँ पे दो स्लॉट्स बचे हुए हैं ना वो दोनों के दोनों इंडिया को मिलने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा टूर्नामेंट देखने को मिलेगा फ्री फायर इन्विटेशनल उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश के लिए एक स्पेशल टूर्नामेंट होने वाला है, क्योंकि यार ये जो सभी चीज़ें हो रही है ना ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की वजह से ही हो रही है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट आएगा, जिसके अंदर इंटरनेशनल की जितनी भी बड़ी बड़ी टीम्स होने वाली है वो सभी आने वाली है, जैसे ईवोस फिनिक्स हो गया, हाउस ऑफ ब्लड होगी, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी टीम्स जो उत्तर प्रदेश आएगी, और यहाँ पर एक बड़ा टूर्नामेंट रखा जाएगा जो कि वर्ल्ड लेवल पर होने वाला, ठीक है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि यार इंडिया के लिए कितनी बड़ी बात है, और आने वाले टाइम में MS धोनी का यार कोलैबोरेशन, यार मैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और मेरे को आइटम्स मिल चुके हैं MS धोनी कोलैबोरेशन से रिलेटेड। जितने भी आइटम्स होने वाले हैं उन सभी का रिव्यू मैं आप लोगों को आने वाले वीडियोस के अंदर दे दूंगा। पर दोस्तों इस वीडियो के ऊपर आप लोगों के लिए जो एक लाइक टारगेट होने वाला वो 500 लाइक्स का है, ज़्यादा नहीं मांग रहा मैं आप लोगों से, ठीक है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, कैरेक्टर का नाम होने वाला है थाला, साथ में आपको एक बाइक का स्किन फ्री में देखने को मिलेगा, एक हेलीकॉप्टर शॉट होने वाला है, और भी 12 13 या फिर 14 आइटम्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यार बहुत बड़ा कोलैबोरेशन होने वाला है, और ये इंडिया के लिए ना बहुत बड़ी बात होने वाली है, और इन फ्यूचर आने वाले टाइम में ना आप लोगों को ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ में कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा, जिससे दोस्तों आप लोगों का मन ना एक बार फिर से फ्री फायर खेलने का ही करने वाला है। और जिस तरीके से BGMI का जो टूर्नामेंट है वो दिखाया जा रहा है टीवी के ऊपर स्टार स्पोर्ट के ऊपर, उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर फ्री फायर का टूर्नामेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा इंडिया टुडे के ऊपर, और भी काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स के ऊपर। और दोस्तों काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा है फ्री फायर इंडिया आने के बाद, कि जो हमारी बाहर के सर्वर्स की IDs हैं हम उनको कैसे लॉगिन कर पाएंगे। दोस्तों मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका हूं और अभी भी कह रहा हूं कि दोस्तों सिर्फ APK का नेम चेंज हुआ है, ठीक है, ये फ्री फायर ही है, बस इसके आगे इंडिया लगा दिया गया है, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। पर दोस्तों ये नॉर्मल फ्री फायर APK ही है, और दोस्तों जो इसके अंदर आप लोगों को सर्वर देखने को मिलेंगे वो आप बाकी के बाहर के सर्वर के साथ भी अटैच कर पाएंगे। मतलब दोस्तों अगर आपको यहाँ पे बाहर के सर्वर की ID खोलनी है तो आप लोग इजीली तरीके से वहाँ के सर्वर की ID भी खोल सकते हैं। गईना फ्री फायर ने इस APK को ऐसे ही डिज़ाइन किया है, तो आप लोग उस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बस आप लोग समझो कि ये नॉर्मल फ्री फायर APK ही है, ठीक है, कोई डिफरेंट ऐप नहीं है, बस इसका नाम में फ़र्क है और कुछ भी नहीं है। होप दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और जितनी भी आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस थे उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को मिल गए होंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ना ऑल पे सेट करें। तो दोस्तों अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट एंड न्यू वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।